देखिए एक रिक्वेस्ट करूँ, बहन जी हेलो, एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कीर्तन में हॉल तो खचाखच भर्ती होता है लेकिन वहां कीर्तन नहीं हो पाता। वहां पर इतना साउंड होता है, देखो जैसे यहां पे भी हो रहा है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, देखो दो में से एक ही काम हो सकता है, कीर्तन हो सकता है या बात हो सकती है। बातें करनी है तो बोलो, अपने यहीं पे बैठकर बातें करेंगे। आए कीर्तन के लिए, शाम को तो झूठ मत बोलो, घर से बोल के आए हो कि कीर्तन में जा रहे हैं। बाबा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा, जिसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, वो मेरे कीर्तन में आया है। यहाँ क्या देखेगा बाबा कि ये मेरे लिए नहीं आया, ये तो गेट टुगेदर करने आया है। इसका रिश्तेदार मिल गया, साथी मिल गया, तो उससे बात कर रहा है। कैसे बुलाओगे आधी रात को बाबा को, कैसे बुलाओगे, किस हक से बुलाओगे? इसके दरबार में बैठकर अगर आप इसके नहीं बन सकते तो फिर ये कैसे आशा कर सकते हो कि आधी रात के वक्त कोई तकलीफ होगी तो आप बाबा को बुलाओगे और बाबा आ जाएगा। देखो प्लीज, कीर्तन करो और ऐसा कीर्तन करो कि बाहर रथ खड़ा है, वो लोग नहीं उठेंगे, बात मत करो। हाई कोर्ट तो ये है, सुप्रीम कोर्ट में बाबा जा रहे हैं। आज तो ऐसा कीर्तन कर दो कि बाबा के रथ में आपके जो कीर्तन है ना, वो हर एक कोने के अंदर में वो कीर्तन बाबा के रथ में समा जाए, और जो ऊपर ध्वजा लहरा रही है उस ध्वजा के अंदर में आपकी आवाज सम्मिलित हो जाए। और जब खाटू रथ पहुंचे और जब ध्वजा फहराए तो बाबा के मंदिर के चारों ओर आपके भजन बाबा को सुनाई पड़े और आपका तुरंत काम बन जाए। आज किसी और से बात करोगे ना तो अर्जी नहीं लगेगी। बताओ कौन कौन अर्जी लगाना चाहते हैं, दिल से बोलो कि किसी से बात नहीं करोगे। कोई भी बगल वाला आपसे बात करने की कोशिश करे मुंह फुला लेना, मत करना उससे। मैं मजाक में नहीं बोला, सीरियसली बोल रहा हूं। आज बाबा से बात करो। बोलिए श्याम प्यारे की, करें कीर्तन शुरू। अर्जी लगाना प्रेमी, बाबा आए ना आपके गांव में 9 साल पहले, 11 जनवरी के दिन ही शोभा यात्रा। ये मेरा सौभाग्य, उस दिन भी शोभा यात्रा में बाबा ने मुझे बुलाया था और आज भी मेरा ये सौभाग्य है। 9 साल बाद फिर गलियों से बाबा आए और उन गलियों में मैं पैदल चलकर आप बाबा के दरबार में आ गया।
आपने सुना ही होगा 11 दिन से, जहां भी कीर्तन करते हैं यही बोलकर कि जो ये यात्रा है, इस यात्रा के लिए मैंने बाबा से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बाबा से इतना ही कहा, बाबा इस यात्रा को जिसने भी देखा, जो भी इस यात्रा में किसी भी रूप में शामिल हुआ, जो भी कहीं भी कीर्तन में श्याम प्रेमी आया, इस यात्रा का अगर कुछ भी फल मिलना हो तो पहले उन लोगों को देना, उसके बाद में जो बचे वो मुझे दे देना बाबा। दिल में ये मानकर चलना कि पैदल हम चल रहे हैं लेकिन आपके लिए चल रहे हैं, आपका भी काम बनेगा, निश्चित बनेगा। चार भजन होंगे बाबा के दरबार में, दिल से सुना दो। बाबा से जब खाटू पहुंचूंगा तो यही कहूंगा, बाबा जिसने जिसने कीर्तन किया है उसका भी काम बना देना, और जिसने नहीं किया है उसका भी काम बना देना, ताकि अगली बार उसको शर्म आ जाए कि मैंने बाबा के लिए कुछ नहीं किया लेकिन बाबा ने मेरा फिर भी काम कर दिया। आइए अर्जी लगाएंगे सारे लोग। बाबा से कहा, बाबा आपने सब कुछ दे दिया, बस अब एक चीज की तमन्ना और है। लेकिन सब बैठ जाओ ना, सब बैठ जाओ। अब किसी भी दरवाजे में अंदर आने की कोई जगह नहीं है, इसलिए कोई जद्दोजहद मत करना, जो जहां खड़ा है वहीं पर खड़े होकर कीर्तन कर लेना। बाहर टीवी लगे हुए हैं, बाबा से ही कहा, बाबा बस एक आखिरी चीज दे दो बाबा, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। शाम तुमसे हमारी अर्जी है, शाम तुमसे हमारी कभी हमसे खफा नहीं होना, कभी हमसे खफा नहीं होना। समझ में आया? अच्छा लगा ही? दुनिया खफा हो जाएगी लेकिन अगर बाबा खुश है ना तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। और अगर आप सोचते हो कि मेरा ये रिश्तेदार है, मेरा ये रिश्तेदार है, मेरा ये रिश्तेदार है, इसकी यहां पहुंचे, इसकी यहां पहुंचे, लेकिन अगर बाबा आपसे खुश नहीं है ना तो सारे जैब धरी की धरी रह जाएगी, कोई काम नहीं आएगा, नहीं है, डूबना निश्चित है। इसलिए कभी हमसे खफा नहीं होना, बोलो कभी हमसे खफा नहीं होना। बाबा चुपड़ी नहीं दे तो लूखी रोटी भी चल जाएगी, लेकिन आप खुश रहना बाबा, बस आप नजर मत फेर लेना। किसको किसको इस सौदा मंजूर है, किसको किसको मिलकर तालियां बजा कर बोले, शाम में तुम से हमारी I'm gonna go.
वो गलती करता है ना, उसको माफी है लोग को। लेकिन कोई अगर सियाणा है और अपने सियाणे पन में गलती करता है ना, उसको माफी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। इसलिए
मेरा सौभाग्य है। जयपुर से बाबा चले तो भी उस कृपा में मैं शामिल था, मेरे छोटे भाइयों के साथ। लेकिन 9 साल पहले जिस बाबा को जयपुर से हम लेकर आए थे, वो एक मूर्ति थी। बाबा को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बने, मूर्ति बदल गई भाई। ये वो मूर्ति नहीं, ये वो रूप नहीं है, मैंने कसम से कहता हूं। कई लोग दिखाते हैं श्रृंगार फेसबुक व्हाट्सएप पर और देखकर ऐसा लगता है इतने छोटे से गांव। जब मंदिर बना था हम लोग यही सोच रहे थे कितना अंदर आकर मंदिर है, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। आज देखो जैसे खाटों में श्रृंगार होता है, ऐसा बिल्कुल वही श्रृंगार हो रहा है। किसके किसके नैनों में बसा है बाबा, तुमसे हमारी हर जी है।
कभी हमसे खफा नहीं हो रहा, बाबा तुमसे हमारी अर्जी है। बोल श्याम प्यारे की जय। अच्छा लगा। अब बताओ कौन कौन बीच में जाएगा। देखो हेलो भाई, ओ बहन जी हेलो। श्याम बाबा आया लेके तो जाओ घर, छोड़ के जाओगे? आज मत जाओ, ज्यादा नहीं झेलना आपको, बस दो भजन और, लेकिन बाबा को लेकर जाना। कसम से साक्षात बैठा है और कसम से साक्षात आया है और कसम से साक्षात खाटू जाएगा और कसम से साक्षात अर्जी लगेगी। जरूरी काम है, आइए जी भाई। कोई प्रेमी भजन करता है ना तो बाबा उसके सामने नहीं होता, उसके पीछे ऐसे खड़ा होता है। आप ताली बजा रहे थे, आपको होश नहीं था, आप भजन गा रहे थे, आपको होश नहीं था। श्याम प्रभु खुश होकर आपके पीछे ऐसे छत्र छाया लेकर खड़ा था, क्योंकि प्रेमियों ना कोई भक्त नहीं और ना मुझे कोई ज्ञान, लेकिन खाटू वाले के बारे में इतने वर्षों में इतना ही जाना है कि इनको भजन सुनाकर दुनिया का सब कुछ इनसे पा सकते हो। रोज एक भजन सुनाया करो बाबा। आप चाहते हो कि आपके घर में जो आप खाना बनाओ वो प्रसाद बन जाए? कौन कौन चाहते हैं ऐसा? लेकिन आपसे नहीं, माता मैंने खाना बनाया है, आप थोड़ी खाना बनाते हैं। आजकल सारा काम घर का बात। संडे बहुत अच्छे रहते हैं। छोटे भाई की बात मानोगे, बेटा समझकर मानोगे। कल से जब खाना बनाओ ना, बाहर भजन चला देना, ठीक है? दो दिन चार दिन दस दिन कंटिन्यू भजन चलाना। जो भजन आज चलाया कल भी वही चलाना। दो चार पांच दस दिन में क्या होगा, आपको वो एक भजन याद हो जाएगा। ऐसे पांच सात भजन आप ऐसा कर लेना कि पांच सात भजन आपको कंठस्थ याद हो जाए।
उसके बाद आप जब किचन में खाना बनाओगे, बाहर भजन बजता रहे और आप खाना बनाते रहना, आपके अंतरात्मा से वो भजन निकलेगा। और कसम से आप लोग सोचते हो ना कि कर्मा भाई का ही खिचड़ खाया था, हमारे कहाँ खाएगा, कसम से नजर नहीं आएगा, लेकिन आपके किचन में भोग लगा जाएगा। इतना तो कर सकते हो, ये सौदा तो महंगा नहीं बताया ना। किचन में खाना बनाओ, बाहर भजन लगा दो, है ना, सबके घर में सीडी प्लेयर है ना, किसके किसके घर में मोबाइल, कान में, ब्लूटूथ। याद रखना, लिख कर दे देता हूँ, एक महीना कर लेना, एक महीना करके देखो, आपको खुश खुद महसूस होगा, आपके घर की आबो हवा बदल गई है, आपके बच्चों के भाव बदल गए हैं। कीर्तन आप करोगे, भजन आप गाओगे, लेकिन उस भोजन के अंदर में जो भजन मिक्स होगा ना, उसको परिवार का कोई भी खाएगा, उसके भाव बदलने शुरू हो जाएंगे। घर में अगर कलेश रहता है, घर में अगर अशांति है, अशांति दूर होने लग जाएगी, कलेश दूर होने लग जाएगा। पर प्रेमियों, आप भी अगर अपने ऑफिस में खुद बिजनेस करते हो, अपने टेबल है जो उसके अंदर में ड्रॉवर में भजन की किताब रख दो, जब कभी फुर्सत मिले पूरे दिन भर में एक भजन ठाकुर को सुना दो, और फिर देखो एक महीना ये आजमा कर देखो, राग नहीं आए ना, टूटा फूटा गाकर सुना दो, पढ़कर सुना दो, कसम से जो डील जिंदगी में नहीं हुई वो डील होने लग जाएगी। हमारा मेरे पास कई टेलीफोन आते हैं, भैया मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, सीखना चाहती हूँ। मैं ऐसा हूँ, ये मूर्ख है, देखो जो आज तक गवा रहे उससे सीखना चाहता है। आप तो झूठ बोलते हो, आप अच्छा गाते हो, अरे पागल, हमने नहीं सीखा, हमने भी ऐसे बाथरूम सिंगर की तरह गाना शुरू किया। बाहर उस समय लखा जी की सावरियों बैठे आई थी, बाहर लखा जी की कैसेट, उस समय कैसेट चलती थी, बाहर लखा जी की कैसेट लगा देते थे और अंदर बाथरूम में नाटक तो चिल्ला चिल्ला कर। उस समय एक एक कमरे होते थे, बगल वाला पड़ोसी बहुत परेशान रहते थे, लेकिन वो गाते 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 आज आप लोगों के बीच में बाबा ने खड़ा कर दिया, मान दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया बाबा। भजन एकमात्र साधन है इसको अपने वश में करने का, एकमात्र साधन। आइए, एक आदमी बहुत परेशान था, इतना परेशान, उसके हालात बद से बदतर थे, और दरबार में पहुंच गया। किसी ने बता दिया ठिकाना कि चल जा बाबा के पास, कहीं सुनवाई नहीं होगी लेकिन वहां सुनवाई हो जाएगी। चवन्नी है ना, नहीं चलती ना हिंदुस्तान के वर्ल्ड में, आज के इंडियन गवर्नमेंट की चवन्नी जो इंडिया गवर्नमेंट ने बनाई वो नहीं चलती है, लेकिन आज भी दावा है चवन्नी कहीं से मिल जाए और उस चवन्नी को एक रुपया में लगाकर सवा रुपया की अरदास लगा दो, गारंटी है वो सुनवाई होनी है। पता है इसके दरबार में वही चलता है जो कहीं नहीं चलता। उसने कहा बाबा मैं खोटा सिक्का, जिस तरह खोटे सिक्के को भंगार वाला भी नहीं लेता ना, उस तरह मुझे भी किसी ने अपनाया नहीं है, सबने लात मार कर निकाल दिया, बस अब आपका दरवाजा पता चला है, बस आखिरी आपके दरवाजे पर आया हूं, अब आप जानो और आपका काम जानो। और उसने पुकार लगाई, माताओं बहनों मेरे भाइयों, आज इस पुकार को जरूर गाना, जरूर गाना।
अब तो जा करके बाबा श्याम मेरे श्याम, अरे अब तो जा करके बाबा लील सवारी रे, अरे अब तो हमने सहारा तेरा लिया।
तू बस नीर पवे हिमड़ो कल कल रोवे दुख काटे
साचे दरबार की आइए प्रेमियों, बस एक भजन और बाबा के दरबार में। सुनो एक भजन और है बस, मैं आपका ऋणी हूं। आपने दो भजन में बाबा के लिए इतना गाया, इतने दिल से बाबा को मनाया, दीदी दिली बच्चा अगर हो सकता साउंड के कारण एक बार बाहर ले जाओ, उसको बाहर ले जाओ, ठीक हो जाएगा, गर्मी लग रही होगी, बच्चे को बाहर ले जाओ। इसको मेरी आवाज पसंद नहीं आई। क्या करने आए हो यहाँ पर, क्या करने आए हो, हाजिरी देने, हाजिरी लगाने आए हो ना, कौन कौन हाजिरी लगाने आए हो और क्या कहने आए हो बाबा से, इस भजन के माध्यम से बोल रहा हूँ, मुझे जो समझ में आया वो मैं गा रहा हूँ,
अगर आपको भी समझ में आए कि ये सही डिमांड है तो गा लेना, जिंदगी बदल जाएगी। लायक बना लो माने थारे दरबार के, लायक बना लो माने थारे दरबार के। अब सुनो, मैक्सिमम लोगों ने ये बोला होगा लायक बना दियो, बना लो, लेकिन जिनकी कलम है बहुत समझदार है, उन्होंने बना दियो नहीं कहा, बना लो, लायक बना लो। क्योंकि बना दो कहा होता तो शायद मेरे मन में ये ख्याल आ जाता कि अब तो मैं सब कुछ बन गया, मैं खुद सहनसा बन जाता। लेकिन लायक बना लो इसमें अरदास भाव है कि बाबा बना दो बोलता तो शायद बनाकर मुझे आप छोड़ देते हो, लेकिन बना लो का मतलब है लायक बना के अपने दरबार का दरबारी बना कर रखना, छोड़ मत देना। इसलिए लायक बना लो हाले थारे दरबार के, लायक बना लो हाले थारे दरबार के। गाऊं? कौन कौन मेरे साथ गाएगा? सब गाओगे ना? 10 मिनट भजन में लगेंगे, बस 10 मिनट दे दो, उसके बाद बाबा के दरबार से जाना, बाहर माथा टेक कर जाना। कल सुबह 7:30 बजे इस दरबार से बाबा का रथ प्रस्थान करेगा। जिसको खाटू अर्जी पहुंचानी है बाबा के रथ में अर्जी बांध देना और माथा टेक देना, बाबा हम नहीं जा पा रहे लेकिन मेरी अर्जी लेते जाना, कसम खाटू वाले की अर्जी खाटू पहुंच जाएगी। इस यात्रा के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने दुआएं दी है। परसों से कृपा एक और हो गई, 35 MM चैनल, राहुल भैया यहां पर बैठे हुए हैं खुद, इन्होंने कहा कि पूरी यात्रा लाइव होगी, रोज कीर्तन लाइव होगा। एक बार राहुल भैया एक बार खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो। देखिए कृपा किसको कहते हैं, हिंदुस्तान में आस्था चैनल, संस्कार चैनल, तरह तरह के इतने चैनल थे, दिव्या चैनल, बहुत से चैनल थे, लेकिन हमारे कलकत्ता का 35 MM चैनल पहला चैनल वो था जिसको खाटू धाम से लाइव करने का पहली बार मौका मिला था। और अभी भी इस फागुन मेले में भी 14 तारीख से 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक 7 दिन तक खाटू मंदिर से लाइव बाबा का दर्शन और बाबा के भक्तों का नजारा आपको देखने को मिलेगा। 35 MM इनका कुछ श्याम प्रेमी जिन्होंने कहा कि 35 MM पर लाइव होगा, दिल में खुशी हुई कि पूरे हिंदुस्तान को कीर्तन भजन से जुड़ने का मौका मिल जाएगा। और कल राहुल भैया ने आसनसोल में ये ऐलान कर दिया कि संजय भैया आपकी जो बाबा का रथ जो चलेगा, बाबा का रथ और यात्रा जो पैदल चलेगी, हम कोशिश करेंगे कि उस पूरी यात्रा को लाइव दिखाएंगे पूरे दिन। और सबसे बड़ा जो कृपा श्याम कला भवन पर हुई है
उसमें सबसे बड़ा हाथ सूरत धाम से श्री श्याम सेवा ट्रस्ट का है। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट जो रथ आप देख रहे हो, यह रथ सूरत धाम के मंदिर का आपने नाम सुना होगा। एक मिनट, सूरत धाम के मंदिर का जो नाम आपने सुना, इतना विशाल मंदिर बना, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अखंड ज्योत आई, इसी रथ में खाटू धाम से चलकर अखंड ज्योत इसी रथ में आई। मैं, हमारे भैया है राजा भैया सूरत से आए, देखिए मेरा अधिकार है, मेरा आप पर अधिकार है। एक बार ये राजा भैया सूरत से पैदल, खाटू से पैदल सूरत बाबा के इस रथ के साथ साथ पैदल चलकर अखंड ज्योत लेकर गए, और हमारे सिर्फ इतनी गुजारिश करने पर राजा भैया आपको एक्सपीरियंस है, कलकत्ते से खाटू चलोगे तो श्री श्याम सेवा ट्रस्ट से राजा भैया ने गुजारिश की कि बाबा का रथ अगर जाना चाहता है, और श्याम सेवा ट्रस्ट ने 2 मिनट में हामी भर दी, और राजा भैया सूरत से कलकत्ता आए और कलकत्ता से पैदल चल रहे हैं खाटू धाम बाबा के साथ के साथ। ऐसे ऐसे भी श्याम प्रेमी है। लायक बना लो हारे हारे दरबारे, लायक बना लो हारे हारे दरबारे। कौन 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 इस दरबार का बनना चाहता है, पूरे हाथों से तालियां बजाकर। श्याम थाली चौखट पे, बना लो हमें हरे दरबार, बना लो हमें हरे दरबार।
Yeah.
तालियां बजाएगा। कसम खाने वाले की एक एक तालियों का हिसाब देना मेरा बाबा, कसम से मैं बाबा से कहूंगा बाबा, इस पूरी यात्रा में जिस चीज के अंदर में जिस चीज ने आपको बनाया उसकी सुननी पड़ेगी बाबा।
ये गलती कभी मत करना। जब आए सिर उठा के आ गए और जब आए सिर उठा कर चल दिए, क्या समझे दरबार को आपने? ये हक आपको किसने दिया कि आप पीछे वाले का भाव तोड़ दो? जब भी कभी किसी भी सत्संग में बैठो, किसी भी कीर्तन में बैठो, या तो बीच में जाकर बैठो मत, और बीच में जाकर बैठो तो 5 मिनट 10 मिनट का पेशेंस रखा करो। आपका मन नहीं लगा, आप उठकर चल दिए, पीछे वाले का तार जुड़ा हुआ और उसका तार तोड़ दिया आपने। ये गुनाह मत करना माताओं बहनों भाई। पानागढ़ में बीच में दिन में होल्ड था और पांव की हालत बहुत खराब थी, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। किसी भगत ने कहा कि एक डॉक्टर साहब आए हुए हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, और मैं बहुत डरता हूं इस पॉइंट से, लेकिन इतनी हालत खराब थी कि मैंने कहा चलो एक बार कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब आए, इन्होंने पांव में पॉइंट दिए, दर्द तो हुआ। मेरे बगल में किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब आप भी चलो ना खट। डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा चलूं? मैंने सोचा मजाक कर रहा है। मैंने पूछा आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल का कोर्स है इस पॉइंट का? बोले 6 महीने का कोर्स है, 6 महीना कोई लगन लगाकर अगर सीख ले तो वो प्रॉपर सीख जाता है। मैंने कहा आपका कितना एक्सपीरियंस? बोले मैंने 7 साल इसके अंदर में लगाए हैं। और कई लोगों ने बोला कि हमारे यहां पॉइंट दिए, हाथ में पॉइंट दिए, पांव ठीक हो गया। मैंने कहा ये डॉक्टर इतना बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर साहब आपका चेम्बर है, प्रैक्टिस है? बोला हाँ चेम्बर है, प्रैक्टिस है। और 2.5 महीना 3 महीना आप जैसे बेले ही निकाल सकते हैं, काम वाला थोड़ी निकाल सकते हैं, जितने भी चलना सब मिले ही है ना। गांव बोलता है, गांव बोलता है, इनको कोई काम नहीं था इसलिए चल पड़े यात्रा लेकर, आना फ्री जाना फ्री, रहे बीच में खाना फ्री, पढ़ाना फ्री। सच्चाई है,
कई टेलीफोना यात्रा से मेरे भाई साहब यात्रा में जाना चाहते क्या खर्चा है पागल, ढाई महीना खर्च कर देना और कोई खर्चा नहीं है, वो कर पाओगे, कोई खर्चा नहीं है, बल्कि आपकी दवाई जरूर आप अपने साथ ले आना, अगर कोई दवाई है, सीरियस इंजरी बीमारी है तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन बीपी शुगर की दवाई है वो जरूर साथ में ले आना, क्योंकि सब दवाई मैच नहीं करती, अलग अलग पेशेंट की अलग अलग दवाई होती है। आपको ब्लैंकेट भी बाबा देगा, बिस्तर भी बाबा देगा, और सच बताऊं आप चलो साथ में, ट्रक खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं हुआ कलकत्ते से, एम्बुलेंस हो गई कलकत्ते से डॉक्टर नहीं मिला, चार चार पांच पांच गाड़ी खड़ी है, ट्रक के साथ बस खड़ी है, सामान सारा लदा हुआ है, ए टू जेड जो यात्रा में सामान लगना है वो सारा सामान लदा हुआ है, लेकिन शाम प्रेमियों का चमवाड़ा इतना बड़ा था कि बीच में सो गए कि हम सो जाएंगे, बाबा की यात्रा कर रहा था हमारे यहाँ से नहीं निकली तो सेवा हम ही करेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ जाओगे, मैंने कहा फिर पूछा चलू, मैंने कहा डॉक्टर साहब चलोगे, पर आप बोलोगे तो चलूंगा, मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब डिप्लोमेटिक तो मैं हूं नहीं, अगर आपने मुझसे पूछा है चलूं तो मैं आपको इतना ही कहता हूं, आप सोचोगे कि मैं अपने फायदे के लिए आपको बोल रहा हूं कि आप डॉक्टर हो, पेशेंट को पंचर होगा उसको आप पॉइंट दे दोगे, आप अपने औजार पत्थर ही छोड़ जाओगे, आप औजार के साथ मत चलो, आपने मुझसे पूछा चलूं तो आप श्याम प्रेमी बनकर हमारे साथ चलो, आप किसी का इलाज मत करना, आपका इलाज बाबा करेगा, इस भाव से करेगा। प्रेमी मुझे क्या मालूम था कि जो एम्बुलेंस कलकत्ते में डॉक्टर नहीं था, बाबा को डॉक्टर दुर्गापुर में देना था, इसलिए डॉक्टर हमारे साथ चले। ढाई महीने के लिए डॉक्टर साहब चल रहे हैं हमारे साथ, अब ये परसों से वजन के लिए बोल रहे हैं। अब डर ये लगा कि मैं अगर आज ये वजन नहीं करूं कल दूसरा पॉइंट कोई नहीं दबा देगा, इसलिए अलग ही सुबह से लेकर रात तक रात यात्रा कर ली, उसके बाद भजन गाना, फिर अभी जाकर खाना खाकर सोना है, 7:30 बजे फिर निकलना है। लेकिन प्रेमियों, वैसे मैं दिल से बताऊं कोई अच्छाई नहीं है मुझ में और मैं किसी का भी नहीं, लेकिन कसम बाबा की जब इस दरबार में खड़ा होता हूं तो बाबा से ही गुजारिश है कि मेरे खून का एक एक कतरा भी वो आपके लिए, आपके प्रेमियों के लिए बह जाए। मैं कभी ये चिंता नहीं करूं कि मुझे धीरे गाना है, अपनी पूरी जान लगाकर गाना है, जिससे श्याम प्रेमी जुड़ जाए वो गाना है। डॉक्टर साहब ने बाबा से प्रेम किया इसलिए वो जा रहे हैं बाबा के पास, बहुत मुश्किल जगह है प्रेमी, ढाई महीना पर आइए। सांचे दरबार की जय। अब सिर्फ मलाई है। देखिए आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम है, टाइम है, कोई बात नहीं, जाने वाले को कोई रोक सकता है? जिसने मन ही बना लिया कि खड़ी में जितने बजे मैंने उठना है वो उठेगा ही, लेकिन जो सोच कर आएगा कि 11 बजे उठना है और 11:30 बजे तक बैठा है, वो रात को 3 बजे भी बुलाएगा ना तो बाबा घड़ी नहीं देखेगा, 3 बजे आ जाएगा। लेकिन जो घड़ी देखकर आएगा और घड़ी देखकर जाएगा, याद रखना रात को 3 बजे अगर बुलाओगे तो बाबा भी पहले घड़ी देखेगा कि जाना है कि नहीं जाना। देखो एक बैठ गई है,
हमारे भाई साहब पुरुषोत्तम जी खाटू धाम से कलकत्ता आए निशान लेकर जाने के लिए, और नींद के मामले में इनका बहुत याराना है नींद से, दो मिनट भी समय मिलता है सो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा आज 12वां दिन है, पैदल चलते हैं, और रात को कीर्तन चाहे 12:30 बजे खत्म हो चाहे 1 बजे खत्म हो, ये बाबा के दरबार में कीर्तन में जरूर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे हैं जो खाटू नहीं पहुंच पाते, उनकी अर्जी खाटू कैसे लगे वो इनको टेलीफोन कर देते हैं, और ये रोज सुबह मंगला आरती में उनकी अर्जी बाबा के चढ़ा देते हैं। अभी वो खाटू धाम में नहीं है, लेकिन कीर्तन में बैठकर कीर्तन के माध्यम से भी भक्तों की अर्जियां बाबा के दरबार में पहुंचाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। प्रेमी ने बाबा से पूछा, बाबा प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सामने, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सामने, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सामने, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सामने।
नियामतपुर में बहुत दिन बाद आज मुझे सचमुच में
कि मेरी अवस्था नहीं है इसलिए, और मेरे कारण सारे यात्री परेशान होंगे इसलिए सुबह 7:30 बजे जाना है। सब बैठ जाए। आप सबों का तहे दिल से श्री श्याम कला भवन की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपने बाबा के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए, गली के हर मोड़ पर जय श्री श्याम जय श्री श्याम के नारे लग रहे थे, इतने फूलों की बरसात जब से कलकत्ते से चले तब से हो रही है, हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है, दीवाने पागलों की भांति, और इसमें सब शामिल है, ऐसा नहीं है कि किसी के मन में कोई वो है। वर्धमान वाले भी आ गए, मेमारी भी आ गया, तिरंगी मोड़ भी आ गया, पंडवा भी आ गया, दुर्गापुर आ गया, रानीगंज आ गया, आसनसोल आ गया, सब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज बंगाल में आखिरी दिन है, कल झारखंड में प्रवेश करना है। प्रेमियों, बस इतना आशीर्वाद दे देना कि हम सब बाबा के दरबार में पहुंच जाए पहले। एक जयकारा लगवाऊंगा मैं, लेकिन उसके पहले नियामतपुर श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट, श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बाबा का जो आह्वान किया, और बाबा जब हम रेकी करने के लिए आए थे आसनसोल और नियामतपुर के अंदर में, हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि रानीगंज से आसनसोल 15 किलोमीटर और फिर आसनसोल से फिर नियामतपुर, इस उस समय इन्होंने 12 किलोमीटर बताया, आज तो 16 लग रहा था। हम सोच रहे इतनी जल्दी पड़ाव नहीं डालेंगे, लेकिन दिल की बात बताऊं प्रेमियों, परसों दुर्गापुर से रानीगंज, ये तो 29-30 कहते आए, लेकिन बस जब भी पूछते कहा झलका ही छे, जो कांवड़ लेकर जाते झलका ही छे, वो लाइट दिख रही है, 34 किलोमीटर चला दिया। लेकिन उस दिन जितनी टाइम उस दिन लगी उससे ज्यादा टाइम कल लगी, और उससे जो उतनी ही टाइम आज भी लगी है। खड़े हुए श्याम दीवाने, रास्ता पट गया, रास्ते में जगह नहीं थी, श्याम की आरती करने के लिए लोग निकल निकल कर आ रहे थे, और कोई बाबा की आरती करने आए और बाबा का रथ का चक्का आगे बढ़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। पूरे बंगाल को सल्यूट करता हूं मैं श्याम कला भवन की तरफ से, और हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, बस एक प्यार के स्वरूप, एक छोटा सा, हाँ, और विशेष करके बंगाल पुलिस का बहुत बहुत आभार। क्या बताऊं, वर्धमान से जब हाईवे पर गाड़ी चढ़ी ना, पुलिस की गाड़ियां चल रही थी, और हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं ना, जो ऑफिसर थे वो मोहम्मदन थे, लेकिन उनके भाव सुनना, वो गाड़ी से उतर गए, सबसे बड़ा ऑफिसर था, सब गवाह है, गाड़ी से उतर गए, और उन्होंने मुझे बताया, हम लोगों को बताया कि आप पैदल चलोगे और हम गाड़ी में चलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ ड्राइवर गाड़ी में था, आगे भी और पीछे भी, और आगे 4 आदमी 4 ऑफिसर और पीछे ऑफिसर के साथ उनके स्टाफ, जितनी दूर के बुद्ध पुलिस स्टेशन तक उनकी उस दिन ड्यूटी थी, वहां उन्होंने हैंड ओवर किया, एक मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने ये भावना दिखाई कि आप पैदल चलोगे, अपने ठाकुर के लेके हम नहीं चलेंगे। और सुनना, उन्होंने बॉक्स दिखाई, प्रणामी एटा की प्रणामी बॉक्स, मैंने हाँ दादा, पर्स से पैसा निकाला उन्होंने, और उस प्रणामी बॉक्स के अंदर उन्होंने अपनी भावना से जो भी उनको समझ में आया वो दिया। मैं उनकी इस भावना को सैल्यूट करता हूँ बंगाल पुलिस का, जिन्होंने पूरा साथ दिया, आगे भी हर स्टेट में साथ मिलेगा। प्रेमियों, फिर मैं कहता हूँ, कला भवन कुछ भी नहीं कर सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन प्यार स्वरूप एक सॉल और बाबा का एक प्रतीक चिन्ह श्री श्याम कला भवन की तरफ से, श्री श्याम मंदिर कमेटी नियामतपुर के श्री
नरेश माउंडिया जी और दीपक तो दीजिए, मैं निवेदन करूंगा प्लीज। देखिए ऐसा नहीं, सुने ये बाबा का आदेश है, बाबा का आदेश है, आइए। और मैं निवेदन करूंगा पुरुषोत्तम जी से कि कृपया भाई एक बार दरबार में आए, बाबा के दरबार में आए और नरेश जी बावंडिया और दीपक तोदी जी को, नरेश जी को शॉल उठाकर और दीपक तोदी जी को बाबा का प्रतीक चिन्ह प्रदान करके हमारा मान बढ़ाएं। पुरुषोत्तम भाई साहब कोई बार आने की जगह दे, अभी सामने से नहीं आना था। भाई साहब नरेश जी को दुपट्टा उठाकर सम्मान कर रहे हैं। नरेश जी माउंडिया एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे पुरुषोत्तम भाई साहब। और दीपक जी तोदी जी को, दीपक जी तोदी जी को बाबा का प्रतीक चिन्ह श्याम कला भवन के 50वें स्वर्ण जयंती महोत्सव का प्रतीक चिन्ह प्रदान करें, वह जोरदार तालियां बजाइए। और आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, आपको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, आपने समय दिया। सुबह 7:30 बजे बाबा का रथ यहाँ से प्रस्थान करेगा। एक आपको निवेदन करूंगा कि सुबह जो भी आए कोई भी बाबा के ऊपर इत्र नहीं छोड़े, कोई भी बाबा के ऊपर इत्र नहीं छूट के, किसी को भी अपनी अर्जी पहुंचानी है बाबा के रथ में वो अर्जी बांध दे, बाबा के दरबार में डायरेक्ट पहुंच जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे पदयात्री हैं श्री श्याम कला भवन के, उनकी व्यवस्था अग्रसेन धर्मशाला में है, उनसे निवेदन तुरंत वो गेट पर पहुंच जाए, गाड़ियां खड़ी है, 5 मिनट के अंदर में यहाँ से निकलकर हमें धर्मशाला पहुंचना है और उसके बाद प्रसाद लेकर और सोना है। सुबह हमें 5:30 से फिर यहाँ आना है और बाबा की आरती करके यहाँ से फिर बाबा के रथ के साथ प्रस्थान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री।